हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, हम लोग कुछ दिन हो रहा है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर का काम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, तो इसके लिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। टाइम मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये रिएक्शन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हम लोग का गाँव से यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर दूरी पे गाँव पड़ता है, गाँव का नाम नहीं लेंगे दोस्तों। वहाँ पे एक बार जो है पुलिस रेड किया था, तो वहाँ पे बहुत कुछ मिला था जो देसी दारू है उसका पूरा वहाँ नदी बन गया था। चलिए, आज का वीडियो में इसी का रिएक्शन लेंगे और देखेंगे कैसा माहौल था वहाँ। तो चलिए, बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं वहाँ का हालत क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपना मोबाइल स्क्रीन पर और वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसा क्या माहौल था। तो ये दोस्तों देखिए, एक गाँव है, ये हम लोग का यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है ये गांव। और यहाँ पे देखिए पुलिस, मतलब पूरा फौज यहाँ पे तैनात है देखिए। और नीचे जो देख रहे हैं यार दोस्तों, ये जो पानी है ये कोई डाला हुआ पानी नहीं है, ये कोई मतलब कुआं से निकाला हुआ पानी नहीं है। ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये पानी जो दारू बनता है देसी दारू, उसी का पानी है। और उसके साथ में दोस्तों, देखिए पीछे तरफ देखिए, आगे तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए, ऐसा क्या हाल हो गया। ये तो जो हाल हुआ है हुआ है। और इस तरह से दोस्तों बताया जा रहा था, ये एक घर का है और ये गांव में जैसे इस घर में इतना निकला तो बाकी घर में और कितना निकलेगा बताइए। ये अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये जो वीडियो है इसी घर में जितना भी जो दारू का जो बनाने वाला है गोरा साहब, तो एक ही घर में इतना निकालेगा, इतना निकाले 6-7 मिनट तक ही निकालते रहेगा, तब भी खत्म नहीं होगा एक घर का। और बताइए, और कितना तो घर में और कितना रहेगा बताइए। तो ये अभी डालते रहेगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो साइड में खड़ा हुआ है ना दरवाजा के साइड में, ये जो पुलिस अफसर है तो घुसेगा अंदर में देखिएगा। और अभी तो एक ही की दो आदमी घुसे हैं, बाद में और घुसेंगे देखिएगा। पूरा डालते रहेगा। देखिये घुस गया, अभी देखना अंदर से और क्या क्या निकलता है। अभी 6-7 मिनट का वीडियो है ये, बस 6-7 मिनट में यही हो रहा है, अंदर से डाल रहा है, निकाल रहा है, काट रहा है बोरी सबको। देखिए पूरा मतलब जो आंगन है ना वो पानी पानी हो गया पूरा। और ये एक घर का है और बाकी घर का क्या होगा वो तो पता नहीं। अरे यार, इस तरह से अगर किसी का घर में इतना महुआ निकलेगा तो क्या हाल होगा बताइए। देखिए देखिए, और बोला जा रहा था दोस्तों ये गांव में जो है मतलब एक ही घर में ऐसे नहीं निकाला था, मतलब और भी घर है तो वहां से ऐसे निकला था पूरा शहर। देखिए मतलब एक घर में अगर इतना निकला तो बाकियों का घर में क्या निकलेगा बताइए। दोस्तों इन लोग का साथ में मतलब क्या केस बनेगा वो तो पता नहीं, जब आजकल का जमाना ऐसा है दोस्तों, अगर कितना बड़ा भी केस क्यों ना बने, अगर पैसा है तो केस अपना हाथ में, इस बात ऐसा बात है। अरे यार, आंगन तो पूरा भर गया, पानी पानी हो गया, बारिश में भी इतना पानी नहीं भर रहा होगा यहाँ पे इस आंगन पे। और ये धूप का सीजन का है देखिए, बारिश का सीजन रहता तो चलो बोलिएगा कि पानी आया था तो उसके कारण ये जो आंगन भर गया है, लेकिन ये तो धूप का सीजन का है, पूरा फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। अरे यार, और क्या है घर में और कितना रहेगा। ये ऐसे हुआ होगा दोस्तों, जैसे कि इस घर वाला जो भी है वो थोड़ा किसी के साथ पटता नहीं होगा, तो इसके कारण दोस्तों गांव वाला चुगली कर रहा होगा, नहीं तो इतना तुरंत मतलब फोर्स भी नहीं आता ना।
चुगली कर दिया होगा और आके डायरेक्ट घर घुसा होगा, तो इसके कारण जो है इन लोगों को पकड़ लिया, कोई बताया होगा, बिना बताने से ऐसे होता ना तो। और ये दारू है जो ड्राम में था ना, ये देसी दारू है, कोई जरूर बताया होगा। और नहीं तो छानबीन करने के लिए जो अफसर लोग हैं वो लोग आते हैं, मतलब ऐसे सिविल ड्रेस में आते हैं लोग, देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो एक तो वैसे कारण इन लोगों को पकड़ लिया होगा, या तो भाटी तरफ से ही लोगों को पकड़ लिया होगा, मतलब भाटी में भी कुछ देना पड़ता है ना, देसी भाटी सब है उस सब में भी कुछ देना पड़ता है माल, वहाँ से भी कुछ लेना पड़ता है माल। तो अगर भाटी का माल आप नहीं उठाएंगे तो आपको वो वाला जो भाटी वाला वो भी पकड़वा देगा, मतलब ऐसे हुआ होगा। जैसे कि ये जो दारू वाला जो मालिक है, देसी दारू का मालिक है ये, तो ये पहले उसको दे रहा होगा, भाटी वाला को दे रहा होगा पहले दारू, उसके बाद में ये घर में खुद बनाता होगा, उसके बाद में भाटी वाला को दारू दिया, फिर भाटी वाला भी इसको दारू दे रहा होगा, फिर भाटी वाला का दारू अगर ये नहीं लिया ना तो भाटी वाला चुगली कर देगा कि वहाँ पे ऐसे से बन रहा है। तो ऐसे हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब क्या है क्या नहीं वो तो उतना इस न्यूज में कि इस वीडियो में उतना खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है कि वैसे हुआ होगा। इन लोगों का ऊपर में क्या केस बनेगा वो तो अब ऊपर वाला ही जाने। देखिए तो दोस्तों यही था वीडियो, और जो हुआ उन लोग के साथ हो तो वही लोग जानेगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो एक तो घर में इतना निकला था तो बाकी लोग का घर में और कितना कितना रहेगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप सभी को मिलते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सेफ रहें और स्वस्थ रहें।